जहां एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी सरगर्मी भी तेज हो चुकी है, क्योंकि आज राम मंदिर को लेकर बीजेपी की एक अहम बैठक होनी है। गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस बैठक में शामिल होंगे और सभी प्रदेशों से दो दो पदाधिकारियों को भी इसके अंदर बुलाया गया है। जनता तक पहुंचाया जाएगा कि राम मंदिर का संघर्ष कैसे आगे बढ़ा, साथ ही विपक्ष की बाधाओं की जानकारी भी देंगे। करीब सुबह 11:30 बजे का वक्त है इस बैठक के लिए और इसमें गृहमंत्री अमित शाह होंगे, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे, साथ ही इसमें तय किया जाएगा कि बीजेपी कैसे इस मामले को लेकर घर घर संपर्क अभियान चलाएगी, यानी राम मंदिर का उद्घाटन कैसे हुआ, उसके साथ साथ उसके लिए कैसे संघर्ष किया गया और साथ ही कैसे विपक्ष ने बाधाएं पहुंचाई, ये तमाम चीजें लोगों तक पहुंचाने के लिए बीजेपी और उसका संगठन काम करेगा। तो जाहिर तौर पर राम मंदिर के उद्घाटन को सियासी तौर पर चुनावों से पहले कैसे बुनाया जाए, उसका खाका कैसे तैयार किया जाए, इसकी पूरी तैयारी, इसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया जाएगा। और देखिए, ये तीन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राम मंदिर पर बीजेपी की जहां बैठक होनी है, तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा के लिए विपक्ष को जवाब देने की तैयारियों पर भी मंथन होगा। साथ ही 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के बाद इसकी जो गाथा है उसे घर घर संपर्क अभियान से कैसे पहुंचाया जाए, इसका भी पूरा प्लान तैयार किया जाएगा। तो बीजेपी की ये आज महत्वपूर्ण बैठक है जिसके अंदर गृहमंत्री अमित शाह मौजूद होंगे, साथ ही बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इस बैठक के अंदर शामिल होंगे और इसके साथ साथ बीजेपी के जो प्रदेश संगठन है उसके भी दो दो पदाधिकारियों को इस बैठक के अंदर बुलाया गया है, उनके साथ भी चर्चा होगी। और बाकायदा पार्टी में केंद्रीय स्तर पर यह टास्क दिया जाएगा कि प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रमों पर कैसे चर्चा की जाए, कैसे लोगों तक इसको पहुंचाया जाए, कैसे लोगों को यह बताया जाए कि राम मंदिर के लिए जो हुआ संघर्ष है उसकी गाथा क्या थी और कैसे उसे आगे बढ़ाया गया। और चलिए एक और बैठक की बात करते हैं, क्योंकि अयोध्या को लेकर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर भी एक बैठक हो रही है। योगी आदित्यनाथ 11:30 बजे करेंगे अयोध्या को लेकर एक समीक्षा बैठक। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये बड़ी और अहम समीक्षा बैठक है। अधिकारियों के साथ रिपोर्ट लेंगे 22 जनवरी को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि इस 22 जनवरी के कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अयोध्या में पहुंचना है। रामलला को गर्भगृह में जब विराजित किया जाएगा, जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, तो उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी भी होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे और साथ ही देश दुनिया से आने वाले कई महत्वपूर्ण मेहमान होंगे। और उसके लिए अयोध्या में क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महत्वपूर्ण बैठक ले रहे हैं। तो देखिए, बैठकों का दौर चल रहा है जहां बीजेपी संगठन के तौर पर इस समारोह को जनता तक ले जाने के लिए तैयारियां कर रही, तो वहीं समारोह के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक कर रहे हैं अधिकारियों के साथ में। क्या कुछ ये पूरा कार्यक्रम है, इसको लेकर सीधे रुख करते हैं। मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे हमारे साथ जुड़ गए। ब्रह्म प्रकाश, अगर बीजेपी की बैठक की बात की जाए, बीजेपी एक तरफ जरूर कहती है कि ये राम मंदिर का उद्घाटन या राम मंदिर का जो निर्माण है वो उसके लिए सियासी विषय नहीं है, लेकिन आज जो महत्वपूर्ण बैठक होनी है उसका एजेंडा तो पूरी तरह से सियासी है कि कैसे इस मंदिर निर्माण की जो गाथा है, संघर्ष की गाथा है, लोगों तक पहुंचाई जाए और साथ ही विरोधियों की बाधाओं पर भी चर्चा हो। बिल्कुल बिल्कुल प्रणय, देखिए आज बीजेपी का जो विस्तार कार्यालय है वहाँ पर ये बैठक शुरू होने जा रही है। 11:30 बजे के बाद जो है बैठक शुरू हो जाएगी। अभी पार्टी के जो अलग अलग राज्यों के पदाधिकारी हैं वो पहुँचना शुरू हो गए हैं। देखिए, दो सत्रों में ये बैठक होगी। 11:30 के बाद बताया जा रहा है कि 12 से 2 और 2 से 4 के बीच, यानी शाम 4 बजे तक बैठक चलेगी। इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो प्राण प्रतिष्ठा के दिन भगवान राम का जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है उनकी मूर्ति की, तो उस दिन देश भर में पार्टी बीएचपी और आरएसएस के साथ मिलकर किस तरह से तालमेल बनाए और कार्य जो कार्यक्रम है उनको चलाए। दूसरी है 22 जनवरी के बाद जो है लोकसभा चुनाव तक पार्टी की किस तरह से तैयारी रहे, किस तरह से लोगों के बीच पार्टी ये बताए कि पार्टी ने संघर्ष किया है राम मंदिर के लिए, कौन कौन से दल और उनके नेता थे जो विरोध करते रहे हैं और जिन्होंने जो राम मंदिर में अड़चने डालते रहे हैं, तो ये सारा डिटेल लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए इसको लेकर ये मंथन है। दूसरी महत्वपूर्ण, ब्रह्म प्रकाश आप बने रहिए हमारे साथ में, मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, क्योंकि आरजेडी नेता मनोज झा का कहना है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री राम के असली स्वरूप को नहीं जानते हैं। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए कहा है कि कुछ लोग राम मंदिर का अपमान कर रहे हैं। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम सचमुच आज पृथ्वी पे आ जाए 22 तारीख के बाद प्राण प्रतिष्ठा के बाद, 2-4 सवाल मोदी जी को ही पूछेंगे
मेरे युवाओं का रोजगार कहाँ है? देश में इतनी महंगाई क्यों है? लोगों के बीच में संपत्ति का बंटवारा इस तरह का क्यों है कि 5 समृद्धि के टापू के समक्ष सब लोग नतमस्तक है? ये मर्यादा पुरुषोत्तम भी पूछेंगे, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम की उस छवि को मोदी जी समझते नहीं है। नफरत की कुंठित मानसिकता की होची राजनीति से कांग्रेस व गठबंधन के नेता बाज आए। वीर भारत की जो सेना है और पुरातन भारत की आस्था और सनातन का अपमान किया जा रहा है, ये भारत की वीर सेना का अपमान है, श्री राम जन्मभूमि का अपमान करने की होड़ गठबंधन के तथा कथित नेताओं में लगी है। तो जहां एक तरफ रामलला के उद्घाटन समारोह और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां चल रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी तीर भी खूब चल रहे हैं। आरजेडी नेता और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव का कहना है कि जब केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तभी सही रामलला आएंगे। वहीं बीजेपी नेता गौतम गंभीर का कहना है कि भगवान राम सबके भगवान हैं, हर किसी को दर्शन के लिए अयोध्या जाना चाहिए। 22 तारीख को दीपोत्सव मनाने के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान, जब केंद्र पे इंडिया महागठबंधन का ध्वजा लहराएगा उसी दिन राम घर आएंगे। खुश होना चाहिए और पूरे सारे देशवासियों को अयोध्या जाके राम मंदिर जाके एक बार दर्शन करने चाहिए, क्योंकि राम भगवान हम सबके, पूरे देश के भगवान है, सारे देशवासियों के भगवान है। तो मेरा मानना है कि ये बहुत बड़े गर्व की बात है और ये एक बहुत बड़ा निर्णय भी हुआ है और बहुत बड़ी चीज हुई है भारत के लिए, इस देश के लिए, तो सबको इससे खुश होना चाहिए। और देखिए, जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख सामने आ रही है, नजदीक आ रही है, वैसे वैसे सियासी बयान भी तेज हो गए हैं। AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि नौजवानों को मस्जिदों को आबाद रखना चाहिए और साथ ही ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उनकी मस्जिदें उनसे छीन नहीं ली जाए। वहीं इस पर पलटवार करते हुए VHP नेता ने ओवैसी के बयान पर को खारिज किया है और साथ ही कहा है कि इस तरीके से धार्मिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश हो रही है। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्याल सलाह और हय्याल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलात और सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। नौजवानों, क्या तुमको नहीं दिख रहा कि अभी ऐसे 3-4 मसाजिद है जिसमें दिल्ली की सुनहरी वाली मस्जिद भी है? मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो नौजवानों, ये जो ताकतें हैं ना तुम्हारे दिल से, जब इत्तेहाद को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं? न्यायतंत्र का, सर्वोच्च न्यायालय का भी मजाक बनाने वाले ऐसे नेता मुस्लिम यूथ को कहते हैं कि अपने मस्जिदों को आबाद रखो। अरे भाई, उनको निर्वाद करने का काम किसने किया? क्या आपको लग रहा है कि मस्जिदों में वास्तव में यूथ नहीं जाने लगे? मस्जिदों से मुस्लिम यूथ का मोह भंग होने लग गया है? अगर आपकी मस्जिदों के छीनने की बात आती है तो उस समय आप कहां सो जाते हैं जब हजरत बल के ऊपर आतंकी हमले होते हैं? और सियासी बयानबाजी की इस कड़ी में आपको बता दें कि उद्धव गुट के नेता ने भी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा है और यह आरोप लगाया है कि इसको लेकर राजनीतिकरण किया जा रहा है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना है कि जो लोग राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं वो लोग न्योता न मिलने पर हल्ला भी कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है DMO का ऑफिस अब अयोध्या में हो, कुछ दिनों तक अयोध्या से चलाएंगे, अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर भी अयोध्या से चलेगा और प्रधानमंत्री का कार्यालय भी वहाँ से अगर वो चलाने जा रहे हैं तो ठीक है, उनकी मर्जी है। घर घर राम ज्योति जलाएं 22 जनवरी को, ये भी आह्वान, ये देखिए, घर घर में राम ज्योति जलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के आह्वान की जरूरत नहीं है। राम इस देश की अस्मिता और संस्कृति है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी का बयान आप देखिए गौर से, राम पूरे देश का है, पूरे विश्व का है। इस अगर कोई एक पार्टी कहती कि राम हमारा है तो राम को बहुत छोटा कर रहे हैं। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। आप अपनी ताकत का एहसास कराएंगे तो हर व्यक्ति आपके साथ जुड़ेगा और उस परिवर्तन के साथ जुड़ने के लिए आज हम सब
आपके पास यहाँ पर एकत्र होकर के आए हैं। तो देखिए, जहां एक तरफ सियासी बयानबाजी का दौर तेजी से चल रहा है, तो वहीं बीजेपी भी रामलला के इस समारोह को राजनीतिक तौर पर भुनाने में जुटी हुई है। सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी ब्रह्मप्रकाश दुबे का भी। ब्रह्मप्रकाश, जिस तरीके से आज की बैठक होनी है, जिस तरीके से आप बता रहे थे कि 22 जनवरी के बाद चुनावों तक इसका मोमेंटम कैसे बनाए रखा जाए, इसका खाका आज तैयार होगा, कौन कौन पदाधिकारी इस बैठक के अंदर शामिल होंगे, किस तरीके से ये पूरा रोडमैप बनाने की तैयारी की गई है? बिल्कुल, देखिए प्रणय, इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह तो मौजूद रहेंगे ही। इसके अलावा जो है हर प्रदेश से दो दो पार्टी के पदाधिकारी होंगे, कई राज्यों के उपाध्यक्ष भी आए हैं और कई स्टेट्स के पार्टी प्रेसिडेंट भी आए हैं। इसके अलावा आरएसएस और वीएचपी से भी कुछ लोग मौजूद रहेंगे समन्वय बनाने के लिहाज से, चूँकि ये बैठक है। और जैसा मैंने आपको बताया कि 22 जनवरी से आप सोचिए कि मार्च अप्रैल तक, यानी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले तक, कैसे पार्टी इसको पूरे अभियान को चलाए और कैसे लोगों को बताए कि राम मंदिर बनवाने में बीजेपी का कितना बड़ा योगदान है। और आपको बता दें, विपक्ष इसीलिए बार बार बयानबाजी भी करने लगा है, विपक्ष को लग रहा है कि जितने बड़े पैमाने पर ये आयोजन हो रहा है उससे कहीं ना कहीं मतदाताओं पर असर होगा और बीजेपी इसका पूरा क्रेडिट लेगी, इसका खामियाजा उनको लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा बीजेपी अपने स्तर से उतने बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है, लेकिन विपक्ष इसीलिए घेर रहा है बीजेपी को, बयानबाजी कर रहा है और ये अभी सियासत इस पर लंबी चलेगी, लोकसभा चुनाव तक चलेगी, क्योंकि बीजेपी जिस प्लान पर काम कर रही है वो ये है कि देश के हर घर तक, हर घर में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन दीपक जले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जैसे अपील की और इसके बाद लोकसभा चुनाव। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए ब्रह्मप्रकाश दुबे। आप नजर बनाए रखें, इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको जी न्यूज पे देंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं उस इंतजार के खत्म होने की जो रामलला की मूर्ति के लिए किया जा रहा था। खत्म हुआ इंतजार, रामलला की मूर्ति तैयार। बाईस को विराजेंगे प्रभु श्री राम, सजा अयोध्या धाम। राम का काल, मूर्तिकार अरुण योगी राज। प्रतिमा तैयार, प्राण प्रतिष्ठा का इंतजार। तो चलिए आपको बता दें कि रामलला की प्रतिमा बनकर तैयार हो चुकी है और इसे बनाया है मैसूर के मूर्तिकार ने, क्योंकि उन्हीं की प्रतिमा जो है वो अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के गर्भगृह में स्थापित की जाएगी। और ये जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति ही लगेगी और अरुण योगीराज जिनका संबंध कर्नाटक से है, मैसूर से वो आते हैं, उनकी बनाई हुई जो प्रतिमा है उसकी स्थापना होगी रामलला के रूप में राम मंदिर के गर्भगृह में। और अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए जो तीन मूर्तियां तीन मूर्तिकारों से बनवाई गई थी उसमें से अरुण योगीराज की मूर्ति जो है वो चुनी गई है, इसकी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और मैसूर के मूर्तिकार हैं अरुण योगीराज, जो इससे पहले भी कई बड़ी मूर्तियां बना चुके हैं, ऐसी मूर्तियां जो कि सार्वजनिक स्थानों के ऊपर भी स्थापित हुई हैं, जिसके अंदर दिल्ली में स्थापित इंडिया गेट पर स्थापित सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति भी है। तो अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति को फाइनल किया गया है, ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और इसका दावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने किया है, जो खुद कर्नाटक से आते हैं। तो चलिए अब आपको बता देते हैं कि दरअसल अरुण योगीराज कौन है, क्योंकि इन्हीं की बनाई मूर्ति का चयन हुआ है और योगीराज का परिवार 5 पीढ़ियों से मूर्तियां बनाता रहा है, यानी उनकी पारिवारिक परंपरा रही है। उनके दादा और पिता से उन्होंने मूर्ति बनाने का हुनर सीखा और उसके बाद इसे नए आयाम दिए। 2008 में मूर्तिकारी को उन्होंने प्रोफेशन के तौर पर चुना और इसी में अपना करियर भी बनाया। प्रधानमंत्री मोदी भी अरुण के हुनर की तारीफ कर चुके हैं और ये देश के जाने माने मूर्तिकार हैं। देश विदेश में दर्जनों अवार्ड और कई सम्मान अरुण योगीराज हासिल कर चुके हैं और उन्हीं की बनाई हुई जो राम की मूर्ति है, भगवान राम की, वो स्थापित की जाएगी। अमर जवान ज्योति पर स्थापित सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा बनाने वालों में भी अरुण योगीराज का नाम है। साथ ही केदारनाथ में जो स्थापित की गई है आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति, उसके मूर्तिकार भी अरुण योगीराज है। तो अरुण योगीराज की मूर्ति कला की ये परंपरा है।
और देखिए तीन तस्वीरें आपको बता रहे हैं, राम मंदिर की जो मूर्ति है यानी राम मंदिर के अंदर भगवान रामलला की जो मूर्ति स्थापित होगी 51 इंच की करीब बाल स्वरूप की जो ये मूर्ति है उसका निर्माण अरुण योगीराज ने किया है, उनकी बनाई हुई मूर्ति का चयन किया गया है और 22 जनवरी की दोपहर को इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले इस मूर्ति का, इस विग्रह का नगर भ्रमण भी होगा, अयोध्या भ्रमण का भी कार्यक्रम होगा 17 जनवरी को। इसके साथ ही 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक पूरा कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है। लेकिन राम और हनुमान का नाता जो है वो कहीं ना कहीं इस मूर्ति के जरिए भी स्थापित होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये मूर्ति कर्नाटक में रहने वाले अरुण योगीराज ने बनाई है और कर्नाटक वो इलाका माना जाता है जो कि रामायण काल का किष्किंधा था, वहीं से हनुमान आए, किष्किंधा में ही भगवान राम और भगवान हनुमान की मुलाकात हुई, उन दोनों की मुलाकात इस किष्किंधा के इलाके के अंदर ही हुई है। किष्किंधा का ये पर्वतीय इलाका है जहां पहली बार भगवान राम और हनुमान मिले थे और उसी कर्नाटक से आते हैं अरुण योगीराज, जिनकी बनाई हुई मूर्ति जो है वो अब अयोध्या के राम मंदिर में स्थापित की जाएगी। Z News।